हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम की। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इसका पेटी पैक हमारे पास में है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम लिखा हुआ है इधर फ्रंट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4G लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉइस ओवर LTE लिखा हुआ है, यानी कि वीवो LTE लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स दी गई है, और पीछे की तरफ आप यहाँ पे कुछ इसके की हाइलाइट्स दी गई है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, और इसमें आपको 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। 3 GB की रैम दी गई है इसमें आपको, और 16 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, और इसमें आपको 13 MP का रियर फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है। और बाकी इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 3300 mAh की इसकी बैटरी दी गई है, आपको डुअल सिम प्लस SD कार्ड भी ये सपोर्ट करता है। आपको इसमें SD कार्ड लगा के 256 GB तक का आप इसमें SD कार्ड लगा सकते हैं, और ये उतना सपोर्ट भी करेगा। और अब हम इसका बॉक्स जो है खोल लेते हैं। हमने इसको थोड़ा बहुत यूज़ भी किया है ताकि हम आप लोगों को अच्छे से जो इसका रिव्यू दे पाए। जैसे कि आप बॉक्स खोलते ही सबसे पहले आपको सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम देखने को मिलता है, ये देखिए। तो अब हम इसे थोड़ा बाजू में रखते हैं, ये देखिए पीछे से, ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। और ये देखिए, ये इसका बॉक्स है, हम इसे खोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बुकलेट टाइप का दिया गया, ये देखिए यहाँ पे आपको क्विक स्टार्ट गाइड है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक स्टार्ट गाइड, और कुछ वारंटी कार्ड वगैरह, इसे हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आपको चार्जर दिया गया है। चार्जर की अगर हम रेटिंग की बात करें तो तकरीबन 5 volts 2 ampere की इसकी रेटिंग है। ये एक नॉर्मल चार्जर है, कोई भी क्विक चार्जिंग नहीं है इसमें। और इस यहाँ पे आपको सिम इंजेक्टर टूल दिया गया है, और यहाँ पे आपको एयरफोन्स देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मल क्वालिटी के एयरफोन्स है, ज़्यादा कुछ इन ईयर क्वालिटी के नहीं, एकदम बेसिक से ये एयरफोन्स है। और इसे भी हम बाजू में रखते हैं। और यहाँ पे आपको एक डेटा केबल दी गई है, जो कि माइक्रो USB केबल है, जैसे कि आप इस देख ही सकते हैं, ये नॉर्मल डेटा केबल है, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये देखिए, ये माइक्रो USB को सपोर्ट करता है, इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हम इसके बॉक्स को जो है साइड में रखते हैं, और मैंने इसको फ़ोन को जो है पहले से सेटअप करके रखा है। देखिए, मैं इसको ऑन करता हूँ। इसमें आपको फुल HD रेजोल्यूशन का TFT डिस्प्ले दिया गया है। मैं इसकी ब्राइटनेस को जो है थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको सही से दिख रहा होगा। और इसमें आपको माली का T830MP1 GPU दिया गया है, और इसमें आपको डुअल सिम और एंड्रॉयड मार्शमेलो ये सपोर्ट करता है, और ये एक्सिनोस 7870 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ में आता है। और इसमें आपको 1.6 GHz पे इस प्रोसेसर को जो क्लॉक किया गया है, और ये कॉर्टेक्स A53 पे रन करता है, इसमें कॉर्टेक्स A72 की कोर्स नहीं दी गई है। तो प्रोसेसर जो है दोस्तों थोड़ा वीक है, लेकिन अगर आपको सैमसंग का ये डिवाइस चाहिए तो आप इस फ़ोन को जो है ज़रूर से खरीद सकते हैं। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, मैं आपको इसका दिखा देता हूँ इसके सेटिंग मेन्यू में जाके। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आप लोगों को बाद में ये करूँगा अपडेट। और यहाँ पे आपको नीचे जाना है सिक्योरिटी में, और यहाँ पे आपको देखिए फिंगरप्रिंट भी दिख रहा होगा, ये देखिए फिंगरप्रिंट। मैं आपको फिंगरप्रिंट जो है ऐड करके भी दिखा देता हूँ, पहले हमें पैटर्न जो है डालना पड़ता है। ये देखिए, कंफर्म कर देता हूँ मैं पैटर्न। अब ये बोल रहा है ऐड फिंगरप्रिंट, ये काफ़ी अच्छी बात है कि सैमसंग ने जो है पहली बार मिड रेंज सीरीज में अपने जो है जे सीरीज में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट जो ऐड हो रहा है, और मैं इसका एक कंपैरिजन वीडियो भी लाने वाला हूँ, शायद से Redmi Note 3 के साथ मैं इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ, और हो सकता है कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द Redmi Note 4 का भी जो है अनबॉक्सिंग वीडियो दे दूँ। कोशिश में तो हूँ, क्योंकि Redmi Note 4 मैं खरीदने वाला हूँ।
और ये देखिए फिंगरप्रिंट जो है ऐड हो चुका है, डन करते हैं अब इसे, और अब हम देखते हैं इसे लॉक करके। ये देखिए ये बिल्कुल एक्टिव फिंगरप्रिंट है, जैसे कि आपको सैमसंग के जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें आपको ऐसा दबा के रखना पड़ता था, लेकिन इसमें आपको दबा के रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे हल्के से टच करेंगे तो ये जो है ऑन हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले की क्वालिटी भी ठीक ठाक ही लग रही है मुझे, और इसमें आपको 3 GB की रैम देखने को मिलती है। तो उसमें तो दोस्तों अब हम इसके सेटिंग मेन्यू में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें कितनी स्टोरेज जो है अवेलेबल है 16 GB में से। यहाँ पे आपको स्टोरेज का जो है ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए स्टोरेज, इधर पे हम जाते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए 9.5 GB जो स्टोरेज है वो फ्री है, क्योंकि मैंने इसमें जो कुछ एप्लीकेशंस भी डाउनलोड करी है जैसे कि CPUZ और व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह जो है कुछ मैंने डाउनलोड करी है। और मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि कितनी रैम जो है फ्री बची है 3 GB में से। फिर से सेटिंग मेन्यू में जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे ये देखिए यहाँ पे आपको रैम का जो ऑप्शन मिल रहा है इसमें आपको 1.1 GB जो है रैम फ्री देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो टच वेस UI पे चलता है जो कि सैमसंग का खुद का यूजर इंटरफेस है, और जो इसमें आपको प्रोसेसर दिया गया एक्सिनोस वो भी सैमसंग का ही प्रोसेसर दिया गया। बाकी डिस्प्ले की जो क्वालिटी ये ओके ओके ही, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है क्योंकि इसमें आपको TFT डिस्प्ले दिया गया, क्योंकि सैमसंग के सभी फोन्स में आपको जो है एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको जो है TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, और डिस्प्ले की जो क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, ठीक ठाक है क्योंकि फुल HD है तो आपको इतना ज़्यादा जो है परेशानी नहीं होगी। मैंने यहाँ पे CPUZ जो एप्लीकेशन है वो ऑन करके रखी है, मैं यहाँ पे इसे ऑन कर लेता हूँ तो जो तो देख ही सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सैमसंग एक्सिनोस ऑक्टाकोर 7870 प्रोसेसर क्लॉक्ड एट 1.59 GHz यानी कि 1.6 GHz पे क्लॉक किया गया, और एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। बात करें कुछ इंफॉर्मेशन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी PPI है इसमें, इसका मॉडल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है और भी कुछ डिटेल्स है। और बात करें सिस्टम की तो ये देखिए यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 6.0.1 मार्शमेलो पे रन करता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे आपको बैटरी की इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको फटाफट सेंसर्स दिखा देता हूँ। ये सैमसंग हमेशा ही गलत करता है क्योंकि आपको सेंसर्स के नाम पे देखिए सिर्फ 3 सेंसर्स दिए, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया है, और यहाँ तक कि इन्होंने आपको जायरोस्कोप सेंसर भी नहीं दिया है। आप इसमें 360 वीडियोस भी नहीं देख सकते। अगर आपको खरीदना है तो आपकी मर्जी है, बाकी मैं क्या कहूँ, बाकी सैमसंग को थोड़ा तो देना चाहिए था, 18,000 रुपये किस चीज़ के ले रहे पता नहीं। और शायद से मैं आपको इसका जो है एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन दूंगा रेडमी नोट 3 के साथ में, तो उसके लिए भी आप लोग स्टे ट्यून कीजिएगा। और मैंने देखी इसमें ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन जो है डाउनलोड भी नहीं करी है, कुछ इसमें आपको ब्लोटवेयर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ब्लोटवेयर्स है, जैसे कि आप इस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सब पहले से फ्री इंस्टॉल है, अगर आप चाहे तो इन्हें शायद से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आप इन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते क्यों पता नहीं। और यहाँ पे आपको कुछ गूगल की एप्लीकेशंस दी गई है, और यहाँ पे आपको सिस्टम की जो एप्लीकेशंस है वो मिलती है। इसमें आपको एक स्मार्ट मैनेजर करके भी दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वो आपको रैम वगैरह के बारे में बताते रहता है, और मैंने इसमें ज़्यादा कुछ डाउनलोड नहीं किया। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime की अनबॉक्सिंग वीडियो, और मैं आपके लिए हमेशा इसी अनबॉक्सिंग वीडियोज और रिव्यूज जो लाता रहता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए जो कि इस वीडियो के नीचे मिलेगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी भी आपका इस फ़ोन को लेके कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को उसका जवाब देने की।